मुरादाबाद थाना पागवाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी के 3 ट्रैक्टर, 1 कंटेनर सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पागवाड़ा थाना क्षेत्र में पागवाड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पागवाड़ा के 0 पॉइंट पर रामपुर की तरफ से आ रहे चोरी के 1 कंटेनर को पकड़ा, जिसमें 3 ट्रैक्टर थे। वहीं पागवाड़ा पुलिस ने 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए SPCT अमित कुमार आनंद ने बताया कि पागवाड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी के 3 ट्रैक्टर, 1 कंटेनर सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बहीदुल नबी निवासी थाना कुनरकी, शीश मोहम्मद निवासी थाना कुनरकी, बिलाल निवासी थाना कुनरकी, अकील निवासी थाना डिडोली जनपद अमरोहा, नफीस निवासी असमोली जिला संभल गिरफ्तार किया है। SPCT ने बताया कि अकील पुत्र साविर निवासी डिडोली जनपद अमरोहा का आपराधिक इतिहास है। अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोरों के गैंग के गिरोह का पर्दाफाश किया है, इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अकील और नफीस है जो जनपद अमरोहा और संभल के रहने वाले हैं, और वहीदुल नबी, शीश मोहम्मद और बिलाल ये जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 चोरी के ट्रैक्टर और 1 कंटेनर ट्रक जिसमें ये भर के ला रहे थे, साथ ही इनके जो फर्जी दस्तावेज थे इनके पास से बरामद किए गए हैं। इन्होंने ये बताया कि ये बिहार से चोरी किए हुए ट्रैक्टरों को कंटेनर के माध्यम से यहाँ मुरादाबाद होते हुए जनपद अमरोहा ले जाते थे। वहाँ जो इनका जो मास्टरमाइंड है आकिल पुत्र साबिर, ये पूरा इसकी रचना करता था, और साथ ही नफीस पुत्र अब्दुल इसमें सहयोग करके ये पूरे ट्रैक्टर्स को यहाँ लाते थे, उनकी रिफर्बिश करते थे, नया पेंट जॉब करके फिर इसे आगे बेच दिया करते थे। इसमें ड्राइवर और हेल्पर वहीदुल और शशि भी गिरफ्तार किए गए, साथ ही जो कंटेनर जिसका है बिलाल, जिसको इसकी पूरी जानकारी थी और इसमें पूरी तरह सम्मिलित था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और थाना पागवाड़ पुलिस ने बहुत ही सराहनीय करते हुए एक बहुत ही बड़े अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर गिरोह गैंग का गिरफ्तारी की गई है। सर, ये किस तरह से पकड़ में आए पुलिस के? ये थाना पागवाड़ा पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी और एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई इस तरह के चोरी के ट्रैक्टर गैंग इसमें अमरोहा क्षेत्र में एक्टिव है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सूचना एकत्रित की गई। इस गाड़ी के बारे में चेकिंग के दौरान इसे रोका गया और इसमें देखा गया, जब चेक किया गया तो इसमें ट्रैक्टर थे, और जब इनसे जानकारी की गई तो ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, और जो दस्तावेज जो दिखाए गए वो भी फर्जी थे, और इसके आधार पर इनकी पूछताछ की गई और गिरफ्तारी की गई। ये जहाँ ये बिहार में एक व्यक्ति में फरार है, शाह आलम, जो नफीस और आकिल के ही रिश्ते में लगता है, जो वहाँ पे इन ट्रैक्टर्स को एकत्रित करता था, वहीं से ही फर्जी दस्तावेज लगाकर ये वहाँ से भेजे जाते हैं। सर, ये कितने समय से लगे थे? इसमें इन्होंने जो बताया है कि इनसे पूछताछ में कि लगभग 1 साल से इसमें एक्टिव रहे होंगे, बट लॉकडाउन के दौरान इनका काम अव्यवस्थित हो गया था। इसमें अभी ये विवेचनाधीन है, इसमें इनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे सर, उसके अनुसार। प्रधानपति का नाम आ रहा है सर, क्या प्रधानपति का क्या रोल था इसमें सर? इसमें जो आकिल पुत्र साबिर है, वहाँ के जो सोनाली गांव है।